सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसमान फोटोग्राफी। सो गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का फोटो फ्रेम कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम सी लग रही है। और इस वाले फ़ोटो को हम पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का फोटो फ्रेम कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करना सीखना, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा, और जरा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी नेम RSP एडिटिंग। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप इस वाले बैकग्राउंड को आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने जितना भी बैकग्राउंड एंड PNG का यूज किया है, सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक यहाँ से फोटो फ्रेम PNG को ऐड कर लीजिएगा। इस वाले फ्रेम PNG को हम ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से थोड़ा जूम करके लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, और कुछ इस तरह से इसको हम रोटेट करके राइट साइड में भी एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ सिंपली हम इसको डन कर देंगे। अब हम ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां से हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां से अपने फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, और कुछ इस प्रकार से इसको हम यहां से डन करके यहां से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को थोड़ा हम कम कर लेंगे, और यहां से हम 3 डॉट पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, और कुछ इस तरह से इसको हम इस फ्रेम PNG में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ सिंपली हम इसको डन करके यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और कुछ इस प्रकार से हम इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ से हम फिल कर देंगे, और कुछ इस तरह से इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको हम इरेज करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को हम फुल इंक्रीज कर लेंगे। अब हम यहां से मल्टीपल लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से हम डुप्लीकेट एक लेयर क्रिएट कर लेंगे, और फिर से हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को हम ऐड करेंगे, और कुछ इस प्रकार से यहां से इसको डन करके इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम करके यहां से 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, और कुछ इस तरह से इसको हम दूसरे फ्रेम में भी एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से सिंपली हम इसको डन करके इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको हम इरेज करेंगे। अब हम लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को हम फुली इंक्रीज कर देंगे। फिर से हम मल्टीपल लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे, और फिर से हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से हम अपने फोटो को ऐड करेंगे, और कुछ इस प्रकार से यहाँ से इसको डन करके इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसको हम इस फ्रेम PNG में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से सिंपली हम इसको डन करके इरेजर टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसको हम इरेज कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसके ओपेसिटी को फुल इंक्रीज कर लेंगे। अब इसी प्रकार हम सेम इस राइट साइड वाले फ्रेम में भी अपने फोटो को एडजस्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा वीडियो को कट कर लेते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। सो गाइज, मैंने राइट साइड वाले फ्रेम में भी कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डन कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम एक बैनर PNG को ऐड करेंगे। इस वाले PNG को हम ऐड करेंगे, और इसको कुछ इस प्रकार से थोड़ा जूम आउट करके ऊपर की ओर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे।
अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको हम क्रॉप कर लेंगे और यहाँ से डन कर लेंगे और यहाँ से ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम स्क्रीन पे कर देंगे, सॉरी मल्टीपल पर कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ की साइड एडजस्ट कर लेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने मेन फोटो को ऐड करेंगे। इसके बैकग्राउंड को मैंने पहले ही इरेज कर दिया है। अगर आप लोग को वह वीडियो देखना है कि वन क्लिक में कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप सिंपली वॉच कर सकते हैं। अब हम कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को थोड़ा जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार से थोड़ा शैडो दे देंगे और इसके पोजीशन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसके पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेंगे और फिर से हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक शैडो के पीएनजी को हम ऐड करेंगे। इस वाला शैडो पीएनजी को हम ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से छोटा करके अपने मॉडल के पैर के नीचे हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम मूव डाउन कर देंगे और इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम करके कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लें। अब सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब यहाँ से हम टूल्स आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके सैचुरेशन को हम फुल इंक्रीज कर लेंगे और इसके हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेंगे और थोड़ा शैडो को भी इंक्रीज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करके अपने फेस पर से हम इस वाले इफेक्ट को रिमूव कर लेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव टू डिवाइस कर लेंगे। सो गाइज वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।